अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्बल टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त है और आजकल के जैसे मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट कंजेशन, खांसी, ये सब चल रही है बच्चों बड़ों को, और मौसम की तब्दीली की वजह से सबकी तबीयतें ख़राब चल रही हैं। तो अगर आप ये हर्बल टी बनाकर पियेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें तमाम ही नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स यूज होंगे, जिसमें दालचीनी है, लौंग, इलायची और अदरक है। और साथ ही हम इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे जो है आपका गला और चेस्ट कंजेशन बिल्कुल से ठीक हो जाएगी। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये 2 कप का कहवा तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं तकरीबन 4 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी, ताकि ये पक पक के 2 कप रह जाए। तो बस बिल्कुल इसी तरह की आपको जितने भी कप कहवा तैयार करना है उसकी डबल आप पानी इस्तेमाल कर लीजिए, और उसके इंग्रेडिएंट को भी डबल कर लीजिए। मैं ये 2 कप बना रही हूँ। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे, 2 से 3 इलायची डालेंगे, 4 से 5 लौंगे, और 1 बड़ा इंच का टुकड़ा हम इसमें अदरक का शामिल कर देंगे, और तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती। रेगुलर चाय की पत्ती इसमें शामिल करेंगे, जो हम रोज़मर्रा की चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बस 1 चुटकी, ताकि हल्का सा कलर और जायका इसमें आ जाए, ज़्यादा नहीं डलेगी, बस 1 चुटकी के बराबर हम इसमें ये चाय की पत्ती शामिल कर देंगे। पहले मीडियम हाई फ्लेम रख के इसको एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम करके कवर करके पकने के लिए रख देंगे, ताकि तमाम चीज़ों का जो रस है वो इसमें निकल करके आ जाए तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, और जो चाय है वो बहुत ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। तकरीबन 10 मिनट बारीक आंच पे पकने के बाद पानी रिड्यूस हो गया है, इसमें अच्छा सा कलर भी अच्छा सा आ गया है, तमाम चीज़ों का अर्क जो है ये इसमें अच्छे से आ गया है, तमाम इन्ग्रीडियंट की अफादियत इसमें शामिल हो गई है। तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और तो ये जबरदस्त सा कहवा जो है खांसी के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसे कप में सर्व करते हैं। अच्छे से छान करके हम इस कप में निकाल लेंगे, और बिल्कुल गर्म पीना है, जिस तरह से चाय पी जाती है, और बिल्कुल सोते वक्त पीजिए और सुबह निहार मुंह पीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें शामिल लौंग, अदरक, इलायची और दालचीनी एक कुदरती अफादियत से मालामाल है। लौंग एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटी ऑक्सीडेंट है, बहुत ही फायदेमंद है, ये गले की सोजिश और तमाम गले की खराबी को दूर करती है। इसके अंदर हम एक बहुत ही जबरदस्त की इंग्रेडिएंट 1 टीस्पून के बराबर शहद डालेंगे मिठास के लिए। शहद के तो बहुत ही फायदे हैं, ये भी हमारे गले को बहुत ही आराम देगा। और चाहे तो 2 से 3 कतरे हम इसमें लेमन के स्क्वीज कर देंगे, क्योंकि लेमन जो है ये विटामिन सी से भरपूर होता है। इसी तरह अदरक भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये जितने भी गले में सूजन हो जाती है उसको रिड्यूस कर देगी। आप भी इस टी को जरूर बनाइएगा, ये बहुत फायदेमंद है, आप बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको ये इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिनको भी गले की खराबी, खांसी और दूसरे चेस्ट इन्फेक्शन का मसला होता है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। ये हर्बल टी आप इस्तेमाल करके देखें, आप जरूर मुझे दुआएं देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।